आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। अ पर्सन कैन हैव वन और वन ऑफ द फोर ब्लड ग्रुप ए बी ए बी एंड ओ। भाई देखो, वैसे हमें ना केवल चार ब्लड ग्रुप के बारे में ही पता है, ए बी एंड ओ। वैसे ब्लड ग्रुप दो और भी होते हैं, ठीक है, वो अभी हम करते नहीं डिस्कस करेंगे। बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है वो, एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है और एक गोल्डन ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है, उन्हें हम नहीं डिस्कस करेंगे। हम तो बस इतनी बात करेंगे, चार ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी एंड ओ, बस, ठीक है। और कोई मेरे से उन दो ब्लड ग्रुप के बारे में सवाल पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप है हमारे पास वो कितने हैं, केवल चार, ए बी एंड ओ, जो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप्स हैं वो ये। अब इन ब्लड ग्रुप्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है हमारी बॉडी में, ठीक है, वो ना तीन वेरिएंट में आता है, तीन तरह के उसमें वो मिलते हैं। एक मिलता है आई ए, एक को हमने रिप्रेजेंट कर दिया आई ए से, एक को आई बी से, एक आई ओ से। यानी कि जो ए ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो है ए, जो बी के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो है आई बी, सिर्फ आई बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो ओ के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसे हमने आई ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाई जीन्स विच हैज थ्री डिफरेंट फॉर्म्स डिनोटेड बाई दिस दिस दिस। अब ऐसा नहीं कि हमारे ब्लड ग्रुप में आई ए आई बी आई ओ घूम रहे हैं, जीन है उस पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड को, उस पर्टिकुलर सेक्शन को, डीएनए के सेक्शन को जिसे हम जीन कहते हैं, जहां भी वो मिला हमने उसे आई ए से रिप्रेजेंट कर दिया। इसे जो बी के लिए रेस्पॉन्सिबल था उसे हमने बी आई बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और ओ के लिए आई ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। इन्हें हम एलील्स फॉर ब्लड भी कहते हैं, एलील्स भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए ब्लड के लिए कितने एलील्स रेस्पॉन्सिबल हैं, तो देर आर थ्री एलील्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप्स, आई ए आई बी एंड आई ओ। अब इनमें डोमिनेंट और रिसेसिव कौन है वो समझ लो जरा। देखो आई ए और आई ओ में आई ए डोमिनेंट है, आई ओ रिसेसिव है। आई ए इज डोमिनेंट ओवर आई ओ, ठीक है, आई बी इज डोमिनेंट ओवर आई ओ। आई ए एंड आई बी अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो दोनों में से कोई डोमिनेंट नहीं होगा, तो दोनों में एक अलग ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए बी। तो आई ए एंड आई बी आर को डोमिनेंट ओवर ईच अदर, को डोमिनेंट मतलब दोनों में से कोई भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगा। अब ब्लड ग्रुप देखते हैं और जीनोटाइप देखते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वो केवल तभी हो सकता है जब आई ए आई ए हो, या फिर आई ए के साथ आई ओ आ जाए, क्योंकि डोमिनेंट तो ए है ना, तो इसलिए ए का इफेक्ट दिखेगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ब्लड ग्रुप ए बन जाए। ब्लड ग्रुप बी कब आएगा, जब आई बी होगा या फिर आई बी आई ओ होगा। ए बी कब बनेगा, जब आई ए और आई बी दोनों प्रेजेंट होगा, तो एक नया ही ब्लड ग्रुप बन गया, ना तो ए रहा ना बी रहा, एक अलग ब्लड ग्रुप बन गया ए बी। ओ कब आएगा ब्लड ग्रुप, जब आएगा जब आई ओ और आई ओ होगा, क्योंकि आई ओ क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ब्लड ग्रुप फॉर्म हो गए। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप में मतलब एफ वन जनरेशन में कैसे जाएगा। मान लो हमारे पास पेरेंट जीनोटाइप था ये, ब्लड ग्रुप क्या हो गया ए, और दूसरा ब्लड पेरेंट था मान लो ओ ब्लड ग्रुप वाला। जब इसमें गैमीट्स बनेंगे तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इधर ये हो सकता है, इन्हें क्रॉस करा दे तो क्या आएगा, आई ए आई ओ, आई ए आई ओ, आई ए आई, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ वन जनरेशन है सारे के सारे ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, ठीक है। अब देखो अगर किसी वजह से ऐसा है, किसी एक किसी फैमिली में एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है इस तरह का जीनोटाइप, और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ है, उसमें तो यही होगा जीनोटाइप, तो उस फैमिली में जितने भी बच्चे पैदा होंगे सबका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि किसी फैमिली में एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ओ है, और फिर भी जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका ब्लड ग्रुप ओ आ जाए, तो उसमें पता है क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये ए है लेकिन इसमें ना जीनोटाइप ये है, ओ में तो यही रहेगा,
तो इसमें गैमीट्स क्या बनेंगे, आई ए आई ओ आई ओ आई, अगर क्रॉस कराओगे तो आई ए आई ओ आई ए आई ओ आई ओ, ठीक है। और यहाँ देखो, इनमें दोनों में ए ग्लू ए आ गया और इसमें दोनों में क्या आ गया, ओ आ गया। तो अगर किसी वजह से ऐसा है ना कि किसी फैमिली में पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और ओ है और बच्चों का ब्लड ग्रुप ओ आ रहा है, तो कोई ऐसा नहीं कि ये क्या हो गया, ये वाली पॉसिबिलिटी होगी। और अगर ऐसा है कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है और मतलब एक का पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और दूसरे का ओ है और सारे बच्चों का ए आ रहा है, तो तुम इससे ये आइडिया नहीं लगा सकते कि ये वाला केस होगा ये वाला केस होगा, क्योंकि देखो इस वाले केस में भी ए तो आ ही रहा है ना। ऐसा हो सकता है कि जितने बच्चे पैदा हों सबके साथ यही कॉम्बिनेशन हो जाए तो ए आ जाए, ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, लेकिन अगर ओ ब्लड ग्रुप आ रहा है तो फिर हम आइडिया लगा सकते हैं कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये वाला कॉम्बिनेशन होगा।